हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग से शेयर करूंगी कटहल की सब्जी, बिल्कुल मटन के स्वाद वाली कटहल की सब्जी शेयर करूंगी फ्रेंड। बहुत ही आसान तरीके से भी बनेगा ये, तो इसे देखने के लिए आप लोग हमारी वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कटहल लिया है, तो कटहल को मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है और इसे धो भी लिया है अच्छे से। इसकी काटने की वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, इसमें मैंने पानी डाला है 2 कटोरी के करीब, और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून के करीब मैं यहीं पे इसमें नमक डाल दूंगी। तो कटहल काटने की वीडियो आपको मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन में भी मैं लगा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने इसे कैसे काटा है। हाथ में थोड़ा सा भी लस्सा भी नहीं लगेगा और आसानी से कट के भी तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने इसे डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा करके इसमें 2 सीटी लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 सीटी लग चुका है और प्रेशर पूरा निकल गया था। उसके बाद मैंने ढक्कन हटाया है, तो ये जो है कुक होकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में प्लेट आउट कर लिए हैं, तो ये जो है 50% तक पक चुका है यहीं पे फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, इसमें 2 टीस्पून के करीब सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर, और यहाँ पर ये तेल गर्म हो चुका है। तो उसके बाद हम इसमें कटहल डाल के फ्राई कर लेंगे। इस कटहल को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर से एक रेड कलर की कोटिंग ना आ जाए। तब तक हमें इन्हें हल्के हाथों से चलाते हुए भून लेना है मीडियम फ्लेम पे ही। ज़्यादा हमें इन्हें नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूटने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे करीब 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है, तो ये भुना चुका है, ऊपर से रेड वाली कोटिंग भी आ चुकी है इसके ऊपर। तो इधर मैंने 2 बड़े साइज के लहसुन की कलियों को छुड़ा लिया है, 1 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया, 8 से 9 मिर्ची काट ली है, 3 बड़े साइज के प्याज को चॉप कर लिया है, 2 बड़े साइज के टमाटर को भी बारीक काट के मैंने पहले से ही रख लिया। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले में 5 फोरन, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, सूखी वाली लाल मिर्च ली है। आप और भी खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे मैंने कुकर में 2 टीस्पून के करीब सरसों का तेल डाल दिया था, उसे गर्म होने दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे खड़े मसाले को डाल दिया, और लहसुन की कलियाँ थी वो भी मैं यहीं पर डाल दूँगी, और 1 इंच अदरक का जो टुकड़ा ग्रेट करके रखा हुआ था वो भी मैंने इसे यहीं पर डाल दिया। इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे मिर्च तेल में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे ये बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची है ये भी डाल देंगे। इस वक्त गैस की फ्लेम को हम बहुत ही कम कर देंगे, क्योंकि हरी मिर्च तेल में जाती है ना तो उड़ने लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बहुत ही कम कर दिया है। उसके बाद इसमें हम मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, और इन प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा 1 मिनट तक इसे पकाना है तेल में। अगर ज़्यादा भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक का वेट करेंगे, तो इसकी ग्रेवी नहीं बन पाएगी, इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं भूना है। बस इस तरीके से इस स्टेज में हम क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे इसमें। टमाटर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इन टमाटरों को भी हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस 10 से 20 सेकंड तक इसे हमें चला लेना है। और उसके बाद मसाले में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और भुने हुए जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर और मीट मसाला लिया है मैंने 2 टीस्पून के करीब। बाकी के मसाले कितने हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मसाले डाल दूँगी, और इन मसालों को चला लेंगे, प्याज टमाटर जो भी है उसमें। उसके बाद पानी डाल देंगे इसमें, पानी हम 1 कटोरी के करीब डाल रहे हैं, इतना पानी डालेंगे जितना में कि ये जो हमारे मसाले हैं प्याज टमाटर ये जितने भी मैंने इसमें डाले हैं सब इसमें डूब जाए, उतना पानी मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब इसमें पानी डाल दिया है, और उसके बाद हम प्रेशर कुकर का लीड लगा देंगे और 2 सीटी आने तक हम इसे वेट करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे देख सकते हैं पहली सीटी आई है और ये 2री सीटी आई है। अब हम गैस की फ्लेम को बहुत ही कम कर देंगे, उसके बाद इसके ढक्कन को खोल के देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पक चुकी है, और क्या करेंगे इसमें इस तरीके की करछी लेकर के इसे तोड़ देंगे। जो भी हमारे मसाले हैं ना अच्छे से पक चुके हैं, इसे तोड़ देंगे फ्रेंड, और इसे तब तक पकेंगे जब तक इसमें से पानी ख़त्म ना हो जाए और तेल रिलीज ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। क्योंकि अगर नहीं भूनेंगे ना तो ये सब्ज़ी मीठी लगेगी, क्योंकि प्याज और टमाटर को अच्छे से नहीं ना भुने थे स्टार्टिंग में इसीलिए। और ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, कटहल जो काट मतलब रोस्ट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, इन्हें भी इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कटहल को। गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे, नहीं तो हमारे मसाले चिपकने लगेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और मसाले भी हमारे अच्छे से भुना चुके हैं और कटहल में भी मिक्स हो गया है। तो अब हम पानी डाल देंगे इसमें। तो मैंने पानी यहाँ पे गर्म पानी इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। तो ग्रेवी आप जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिए सब्जी में। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी के करीब पानी डाला है और 1 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे 1 सीटी आ चुका था और प्रेशर खुद निकलने दिया था। उसके बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% तक कुक हो चुका है हमारी कटहल की सब्जी। लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसमें आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसमें बहुत ही टेस्टी सब्जी ये जो है बन के तैयार हो चुका है। तो कटहल की सब्जी बट इसे खाइएगा ना आप तो लगेगा जैसे मटन खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप लोग ज़रूर एक बार इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। अगर रेसिपी थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।